जितना इन्फ्लुएंसर आज की डेट में कमा रहे हैं ना, तुमको असली में पता लग गया ना, तुम रो दोगे। मतलब तुम बोलोगे साले ये मस्ती भी कर रहे हैं, आधा टाइम बेलीपंती करते हैं, कैमरा के आगे की भी बेलापंती करते हैं, और साले हमारे से 10 गुना कमा के जाते हैं। हो इस इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इन्फ्लुएंसर्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताया, इसीलिए शायद आपको इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमें तो इन्फ्लुएंसर का मतलब ही समझ में नहीं आया, तो इन क्रिएटर्स के बारे में ज़्यादा जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फ्लुएंसर की पूरी डिटेल के साथ टोटल समझाऊंगा और इंडिया के टॉप बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बताऊंगा। अगर मैं आप सभी लोगों को साफ और सरल शब्दों में बताना चाहूँ तो इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। इंस्टाग्राम यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा या फिर लाखों या करोड़ों में होते हैं। या हम दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि कभी कोई इन्फ्लुएंसर किसी भी चीज़ का ऐड कर रहा है या फिर किसी भी प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है, तो हम उसी को देख कर ही वो चीज़ खरीद रहे हैं और उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उसे भी हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं क्योंकि उसका प्रभाव से ही हम उस चीज़ को खरीद कर उसे यूज़ कर रहे हैं। साफ मतलब यही है कि वो क्रिएटर एंड वो अकाउंट जिनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स हो या फिर जिसकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा हो, उसे ही हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया के टॉप बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो कि अपने टैलेंट के दम पर पॉपुलर होकर कुछ अलग काम कर रहे हैं। पहले नंबर पर मैं बात करूँगा अंकित बयानपुरिया। आप में से सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो फोटो में नॉर्मल आदमी लग रहा है और ना इतना फैशन कर रहा है, तो ये कैसे इन्फ्लुएंसर हुआ? तो इसकी रियलिटी जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। अंकित बयानपुरिया इंडिया का पहला वो महान शख्स है जिसने 75 दिन का हार्ड चैलेंज कंप्लीट किया है। आप में से किसी को नहीं पता होगा कि 75 डेज हार्ड चैलेंज किसे कहते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों के ये कमेंट्स देखिए। I failed 75 hard का मतलब है कि 75 दिन तक हमें ऐसे चैलेंज कंप्लीट करने पड़ते हैं जिसमें कुछ शर्तें होती हैं, और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए कई बंदों के पसीने नहीं सब कुछ छूट जाता है, मतलब इतना हार्ड होता है ये चैलेंज। लेकिन चाहे कितना भी हार्ड चैलेंज हो, इंडिया वाले हमेशा ही आगे रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम इंडियंस हमेशा ही सबसे 2 कदम आगे रहते हैं, और उसका एग्जाम्पल एक बार फिर अंकित बयानपुरिया ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया है। अंकित बयानपुरिया ने 75 हार्ड चैलेंज एक बार भी बिना फेल हुए आसानी से कंप्लीट कर लिया है। अंकित बयानपुरिया 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट करने के बाद में ही सबकी नज़रों के बीच में आए हैं। उससे पहले अंकित बयानपुरिया को हम में से कोई भी नहीं जानता था, लेकिन प्रेजेंट में इसके 5.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जिसका मतलब कि 57 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हैं। इतना ही नहीं, अंकित बयानपुरिया प्रधानमंत्री की नज़रों में भी आ गए, जिसके कारण 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री स्वयं इससे मिलने आए थे और स्वच्छ भारत अभियान भी इसी के साथ स्टार्ट किया था। अंकित बयानपुरिया ने प्रधानमंत्री को बताया कि वो रोजाना के 4 से 5 घंटे अपनी एक्सरसाइज और अपनी फिटनेस को देते हैं। एक दिन में 4 से 5 घंटे आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। अंकित बयानपुरिया इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होने के बाद में भी बिना किसी दिखावे या फिर बिना किसी कारोबार के सोशल मीडिया के एकदम आराम से अपनी सिंपल लाइफ जी रहे हैं। यदि किसी क्रिएटर के 57 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं तो वो अपनी गाड़ियाँ दिखाता है, अपनी गर्लफ्रेंड्स को दिखाता है या फिर अपना पैसा दिखाता है। इसकी जगह यदि हम इसको देखें तो ये गांव में रहकर अपना नेचुरल हार्डवर्क करके सिर्फ अपनी मेहनत को दिखा रहा है, ना कि किसी को पागल वागल बना रहा है। आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं यदि कोई भी क्रिएटर थोड़ा सा भी पॉपुलर हो जाता है तो वो बेटिंग ऐप्स, क्रीम्स, गेम्स, प्रोटीन्स, ड्रेस एंड अदर कंपनियों के ऐड करता है, लेकिन अंकित बनवारिया इन सभी चीज़ों के खिलाफ रहते हैं। एक बार तो अंकित बनवारिया ने इसी पर एक वीडियो भी बनाई थी। ये जो 65 किलो के नेचुरल एस्थेटिक वाले बन रहे हैं ना, मेरे रील के कमेंट में आके कि भाई तूने क्या उखाड़ लिया बॉडी बिल्डिंग में, हम तो नेचुरल है, हमने इंजेक्शन लेके बॉडी नहीं बनाई। तो अगर इतना ही जेनेटिक्स वाले हो ना, इतनी एस्थेटिक हो, तो 3 हफ्ते बाद शेरू क्लासिक हो। इस बंदे का कहना है कि नेचुरल फिटनेस से कुछ नहीं होता, आज नहीं तो कल या फिर बुढ़ापे में आपको पता चले जाएगा कि अगर हम जवानी में प्रोटीन ले लेते तो क्या फ़ायदा होता। इसके ऊपर अंकित बनवारिया ने कहा, देखो राम राम भाई, सारे ने तो यह वीडियो देख ली होगी भाई, तो भाई कब है कि भाई ये नेचुरल ना, जो ये 65 किलो वाले तो कद सोदा ना हर ये है वो हनुआ जियो मेरी गला, तेरा गेम बॉडी बिल्डिंग है ठीक है यार, तेरे तो सुधरी सुधरी दे ही बनाया अंडा है बालक, नेचुरली खाड़ा मक दे आगे देखिए। रही बात भाई दिखावटी सौदा है तो होगा क्या सौदा है, कदे आ भाई खाड़ा में करके देख, वर्कआउट मेहनत करके देख, भोकण तो किमत थोड़ी होवे है। आध घंटा भी अगर टिक गया ना तू तो ना मान जाएंगे भाई यार, तू मैंने जिम में लेकर चल, तू क्या करवाओगा
तू जो करवा वो करके दिखाऊंगा, तो नर तरह फालतू करके दिखाऊंगा। डेड लिफ्ट क्या का डेड लिफ्ट, स्क्वाट क्या का स्क्वाट, बेंच क्या का बेंच। यार तू आध घंटे मारी गला खाड़े में वर्कआउट करके देख ले भाई, सब गेम बाहर लेकर के पड़ जाएगा। ठीक है तो नेचुरल उसकी काटना हो सकती यार। ये जब ती बॉडी और टलना आ गई है, जब ती तू लेलना आ गया है या बॉडी एकदम जवाब भी देगी, फिर अपने आप रुक के मार मार सब मैंने बताओ भाई ये चीज मत लियो। जुगर आज रुक के मार मार नू कहो, इसके बिना बॉडी नहीं बन सकती। इसके बाद नू भी कहोगा जब यह बॉडी खत्म होती जाओगी ना यार, भीतर तो डैमेज हो जाएगा। अब ये चीज मत लियो, तो इनकी मत सुनो भाई, थोड़ा सा अपने आप तभी दिमाग लगा लिया करो। अंकित बनेवरिया का कहना है कि प्रोटीन वगैरह से कुछ नहीं होता, अपनी नेचुरल डाइट को फॉलो करो। अगर प्रोटीन खाओगे तो आज नहीं तो कल आपको पता चले जाएगा इसके साइड इफेक्ट्स। अंकित बनेवरिया को स्टार्टिंग के दिनों में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज प्रेजेंट में इनके स्ट्रगल के कारण प्रधानमंत्री भी खुद इनसे मिलने गए हैं, तो सोच सकते हो कि इनकी सक्सेस किस लेवल पे है। अक्सर हमने क्रिएटर्स को देखा होगा कि जो ठुमके वगैरह लगाते हैं या फिर बकचोदिया करते हैं, उनसे प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिलने आए। उनके 10-10 लाख फॉलोअर्स हैं या फिर 10-10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन अंकित बनेवरिया के सिर्फ 57 लाख फॉलोअर्स होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपको अंकित बनेवरिया की 75 दिनों की रेगुलर पिक्चर्स दिखाऊंगा। और हाँ, जाने से पहले आप सभी को थैंक यू, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया भाई। मैं सोच भी नहीं पाया कि इतना प्यार भी मिल सकता है मुझे, लेकिन आपकी सपोर्ट के कारण बहुत ज़्यादा प्यार है। थैंक यू ऑल गाइज एंड बाय।